अंधेरा होते ही दिल्ली और इससे सटे नोएडा में लड़कियों को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ ही जाती है। इन सभी से न केवल लड़कियां डरी रहती हैं, बल्कि जब तक लड़की घर न पहुंचे उनके माँ बाप को भी चिंता सताती रहती है। लेकिन अब योगी सरकार इसमें आगे आई है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ योगी गवर्नमेंट राज्य से सभी माफियाओं को जड़ से उखाड़ने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर साथ ही साथ लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी सरकार तत्पर है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी करते हुए ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश को वो सिर्फ 3 महीनों में देश के 18 सेफ सिटीज की लिस्ट में शामिल कर देंगे। अब इसको सही साबित करने के लिए योगी सरकार क्या कदम उठाएगी, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों और नोएडा को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हां, उन्होंने मंगलवार को कहा है कि अगले 3 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश 18 सेफ सिटीज वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजनाओं के विस्तार की कार्य योजना का जायजा लिया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि आदित्यनाथ ने पहले चरण में राज्य के सभी 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा कि अगले 3 महीने के अंदर पहले चरण का जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण के कार्य के दौरान संबंधित विभाग को दी गई जिम्मेदारियां तय सीमा के अंदर पूरी की जाएंगी और मुख्य सचिव इसकी जो पाक्षिक समीक्षा है वो उनको करेंगे। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस परियोजना के दूसरे चरण में 57 जनपद मुख्यालयों की नगर पालिकाओं और तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। उनका ये भी मानना है कि ऐसे सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी का बोर्ड लगाकर इसकी विशिष्ट ब्रांडिंग की जो जरूरत है वो भी की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि सेफ सिटी परियोजना महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसे विस्तार देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा से भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही इस परियोजनाओं के लिए सीएम योगी ने कंट्रोल रूम्स, पिंक पुलिस बूथ और आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमराज, हेल्प डेस्क फॉर काउंसलर्स एंड वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ ही बसेस में पैनिक बटन और सुरक्षा के दूसरे आयाम की सुविधा भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो साथ ही और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।